सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सार दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दियां साड़ी खास पेशकश के विच। इस खास पेशकश के विच साड़ी यह कोशिश रहिंदी है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों बीते हफ्ते विच जिहड़े भी काम किए जाण उसकी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों लगातार नौजवानों को अहुदे दिए जा रहे हैं, उन्होंने सेवावां दित्तियां जा रही हैं, जिम्मेवारियां दित्तियां जा रही हैं। साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर अते श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई के प्रधान हरमीत सिंह कालका। कालका साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कालका साहब, एक जदों तुसी अहुदे दे रहे हो, तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इन्नी जिम्मेवारियां नौजवानों नूं देण दा? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह रिवायत रही है कि अपने जिहड़े इलैक्टेड मैंबर्स हुंदे ने उहदे अलावा जिहड़े इलाकियां दे विच जिहड़े दिल्ली दे विच सरकट आगू हुंदे ने उहनां नूं जिम्मेवारियां दित्तियां जाण, क्योंकि बहुत वड्डा एक अदारा है। उहदे विच विद्यक अदारे भी हैगे ने, उहदे विच गुरुद्वारा साहब भी हैगे ने, उहदे विच इंस्टीट्यूट्स भी हैगे ने, और ये सारियां जिम्मेवारियां समय समय सिर वख वख बंदियां नूं दित्तियां जांदियां। और ये देखते हुए और असीं खास तौर पर देखते हाँ कि जिहड़े साडी पार्टी दे नाल लिबण, जिहड़े बंदे वाकई इहदे लई काबिल हैगे ने, उहनां नूं यह जिम्मेवारियां दित्तियां जांदियां। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिथे पिछले कुछ समय तो इस मुहिम नूं तेज़ किया, क्योंकि मैं समझदा कि जिहड़ी 4 महीने की जिहड़ी साडी जदों जहद रही है करोना के समय के विच, बहुत वड्डियां संस्थावां विच साडे सामने आईयां ने जिन्हां ने साडा सहयोग किया सेवा नूं करन विच। इस सेवा करके पूरे विश्व के विच जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम होया, उत्थे सिख संगत का नाम होया। सो मैं इस करके उन्होंने सारे असं इनवॉल्व कर रहे हैं, असं वध तो वध इन्हों जिम्मेवारियां दे सकिए। कालका साहब, एक शब्द विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का संगत दे विच कितना कितना अहम रोल हैगा, पर इस शब्द विच देखा जाए जे हुण दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट, क्योंकि इलैक्शन नेड़े आ रही हैं, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से इल्ज़ाम लगने जोड़े है शुरू हो गए, भावें आटे की गल करिए, भावें हरेक इदा की चीज़ हो कि हेराफेरी कर रही है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, तो तुम विरोधियों को की जवाब दोगे? देखो, विरोधियों को बड़े अच्छे तरीके पता है, विरोधी जिहड़े काम कर रहे ने वो अपना एक जिहड़ी ओपोजिशन का रोल है अपना रहे ने, मगर साडे सिस्टम दे विच इन्ना निगार आ चुका है, इन्नी क मैं इसकी जिम्मेवार जिथे लोग ने, मैं उत्थे मीडिया के लोगों की भी कहना कि उन्होंने भी जिम्मेवारी बनती है कि किसी अथॉरिटिकेशन के नाल कोई खबरां चलानी चाहिए, मगर जिहड़े लोग कर रहे हैं, और मैं खास तौर पर सरदार मनजीत सिंह जी के सरदार सरना ब्रदर की गल करांगा, जिहड़े दोष विदोष की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझदा कि इन्नी पारदर्शिता नाल किसी ने अज तक कमेटियां नहीं चलाई, क्योंकि मैं भी बचपन तो यह कमेटियां देखता आया, और मैं समझदा कि जिस तरीके दे नाल संगत वालों दिए गए दसवंत का एक एक हिस्सा, एक एक रुपये का हिसाब असी गुरद्वारा हर गुरद्वारा साहब के विच लगाया, हर सिंह सभावां नूं असी पोस्ट करके भेजिया कि सानूं इन्ने पैसे आए, इन्ने पैसे असी चैरिटी टीचर्स की तनखावां दित्तियां, इन्नियां असी स्टाफ दी तनखावां दित्तियां, इन्ने दे बिल बिजली दे बिल दित्ते, इन्ने साडी टैक्सेशन हुई, एक एक रुपए का हिसाब है। और वक् वक् समय के उत्ते असी जाके बंगला साहब की स्टेजा तो बोल भी रहे, क्योंकि वह ऐसी स्टेज है जिहड़ी वर्ल्ड वाइड साडा मैसेज देती है, जितों गुरद्वारा बंगला साहब तो डायरैक्ट टेलीकास्ट हुंदा है उत्ते, तो असी अपने वालों हर चीज़ नूं दे रहे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की वैबसाइट के उत्ते भी हिसाब पाए ने, ऐसी पारदर्शिता नाल कभी कोई काम नहीं होया। जिथे तक तुसी हुणे आटे वाली गल की है, मैं समझदा कि इन्नी बेबुनियाद और इन्नी घटिया राजनीति जिहड़ी की है सरदार मनजीत सिंह जी के ने, ये अज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि जिहड़े लड़के उन्होंने इनवॉल्व किए ये साडे नाल दे लगदे इलाके चों मुंडे ने, और उन्होंने पैसे दे के भेजा गया, क्योंकि वो उन्होंने पेड इंपलॉइज़ ने या रब जाने उन्हें की उन्होंने सांठ गांठ है, उन्होंने भेज के एक ऐसा व्योंद बनाया गया, ऐसा शो किया गया कि जी असी एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लगे हुए बैनर उस गड्डी के उत्ते, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वक्त दिन के वक्त उतों लंगर लैके जाना, यह कोई चोरी हो सकती है? ये बिल्कुल बकायदा यह एक कवायद सी, यह रिवायत हैगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि जिहड़ी समान खराब होने लगता है असं उन्हें डिस्पोज करते हैं, और यदि यह कोई अज नहीं है, सानू जिहड़ा गुरुद्वारा कमेटी का साडा GM है उन्होंने आके प्रपोजल देती कि जी ये जिहड़ा सानू शिकायत आ रही है, क्योंकि असी कई इलाकों के जिस तरह मैंबर के थ्रू रसद बन रहे हैं, तो आटे के किधर ना किधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी वो कीड़ा लगन की गल होंगी है, कोई वो खटास आने की गल हो रही है, सो जिहड़ा जिहड़ा आटा पुराना होंदा जा रहा है, क्योंकि बारिशों का समय है। पर इस सब दे विच ये पहली बार तो नहीं हो रहा, क्योंकि आटे च कदे ना कदे अगर कोई दिक्कत आती है, पुरानी कमेटियां की गल करिए, सरना भरावां की हो गए या फिर GK साहब की हो, हरेक वालों ये स्टैप जरूर चुकया गया होगा ना? मैं तुहानूं यही गल दस रहा कि 2009 दे विच दे वोचर,
2009 तो लैके 11 तक का एक रूटीन वर्क रहा सरना साहब के समय के सरदार हरविंदर सिंह सरना जिस वक्त जो तो मीडिया के अगे आके बोलते हैं असी कभी नहीं वेचिया उन्होंने वोचर्स असी सारे कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए ने कि तकरीबन मतलब कई 100 टन आटा इन्होंने उस वक्त अपने समय के दिता। सरदार मनजीत सिंह जी के ने अपने समय के 2018 फैसला लिया उस अमरजीत सिंह पिंकी और सरदार भुपिंदर सिंह भुल्लर दो बंदियां की कमेटी बनाई गई जिदे जी एम के भी साइन ने और मनजिंदर सिंह सिरसा उस वक्त जनरल सैकटरी होंगे उन्होंने भी साइन ने। मैं समझ नहीं आता कि यह काम कभी अज तक या तो रूटीन का वर्क ना होया हों पहली बार होया हों तो हो सकता असं अपनी गलती मनते कि भाई सानू यह काम नहीं करना चाहिए सी। एक काम प्रोसैस आ रहा है 2009 सरना साहब करते हैं 2011 तक चलती है 2013 सरदार मनजीत सिंह जी के दी कमेटी आती है और कमेटी अकाली दल की आती है मनजीत सिंह जिम्मेवारी दी गई उस सरदार मनजीत सिंह जी के ने सरदार बलदेव सिंह उस वक्त स्टोर इंचार्ज होंदा सी उहदे खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाई उन्हें सस्पेंड किया। सस्पेंशन तो बाद कोर्ट च गया कोर्ट च अपने उन्हें सारे वोचर्स दिखाए कि एक कमेटी के प्रधान ने मैनू ऑर्डर दिए और इस वोचर्स के हिसाब के नाल मैं समान वेचिया कोर्ट ने ऑर्डर किए और सानू उस बंदे नू बहाल करना पिया उस तो बावजूद भी मनजीत सिंह जी के इल्ज़ाम ला रहे हैं। मैं समझदा ऐसी कोजी राजनीति करना तो चंगा है सरदार मनजीत सिंह जी के दा सब तो पहला स्टैप होना चाहिए कि जेड़े उन्होंने उत्ते इल्ज़ाम लगे ने जिहड़ी चोरिया के इल्ज़ाम कोर्ट ने उन्होंने कह के उन्होंने खिलाफ़ FIR लिखवाई है वह जवाब देन 51 लाख रुपये का जवाब देन जिहड़ी संगत ने बाहरों भेजा जिन्हों कैश शो करके इन्होंने बैंकों पाया और दमदमी टकसाल में इनवॉल्व किया कि मैं पैसा उन्होंने दिता वो 47 लाख रुपये का हिसाब देन जिहड़ी एक लाख किताब इन्होंने छापन की बिल की 1 तरीक नू एक ऑर्डर दिता जाता 1 लाख किताब का अगले दिन किताब छप के आ जाती है उस तो अगले दिन उन्होंने पेमेंट भी हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि इन्ना सुपर फास्ट काम अगर कोई कर सकता अगर इन्ना फास्ट काम कर सकते हैं तो अच्छ 2 सालों तो उन्होंने अपनी तो उत्ते लगे इल्ज़ाम का जवाब क्यों नहीं दिता। सो ऐसे कई लाइन लगी है अगर इन्हों दी फाइलों खोलन लग पीए तो मैं लगता कि रात हो जाएगी या कई एपीसोड सानू करने पै जाएंगे इन्हों दी चोरियां के बारे। सो मैं समझदा कि अपनी जिम्मेवारी हर गुरसिख की बनती है खाली मनजीत सिंह जी के दी नहीं है उहदे च मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर मेरे उत्ते कोई इल्ज़ाम लगेगा सानू इन्होंने 4-5 दिन होए ने इन्होंने साडे उत्ते आटे की गल की है मैं 5 दिनों के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके क्लैरिफिकेशन दी है क्योंकि संगत दे विच एक नैगेटिव खबर बहुत जल्दी वायरल होंदी है असी उन्हें क्लैरीफाई करन वास्ते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसा करती हैं। अज 2 साल मनजीत सिंह ने अज तक क्यों नहीं जिक्र किया जब तुसी चले जाओ एज अ मीडिया उन्होंने जाके पूछो उन्होंने तुहानू इक्को जवाब होएगा मेरा कोर्ट च केस जा रहा मैं उहदे जवाब देवांगा भैया कोर्ट ते इस दुनियावी कोर्ट है उस अकाल पुरख की कोर्ट के भी सबने जवाब देना है। सो मैं समझदा कि जिहड़ी संगत चुन के तुहानू भेजदी है जिस जिम्मेवारी नाल तुहानू भेजदी है साडा फर्ज बनता उस संगत नू सब तो पहले असीं जवाब देईए। असी इस प्रोग्राम दे आखरी दे विच अपनी वैबसाइट जरूर दसदे हां ताकि किसी संगत नूं कोई सवाल होवे ते ओह साडे तक पहुँचावे असी तुहाडे तों सवाल पुछिए। संगत वल्लों इह सवाल आया कि की जिद्दां दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे उत्ते दोष लगदे ने या उहनां दे उत्ते इल्ज़ाम लगदे ने जिद्दां हुण आटे दा लग्गिया ते की ओह डॉक्यूमेंट्स आ के तुहाडे कोल देख सकदे ने? मैं हर वक्त अपनी हर बाइट दे उत्ते बोलदा वां और अज भी क्योंकि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी उहदे विच भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए सी। मैं गुरद्वारा रकाबगंज साहब ऑफिस के गुरु गोबिंद सिंह भवन जो ऑफिस है साढ़ा 2 बजे तो लैके शामी 6 बजे तक उत्थे 5:30 बजे तक रोज़ बैठदा कोई बंदा किसी वक्त भी आके इस आटे के उत्ते वोचर्स देखना चाहे सिस्टम देखना चाहे कि किस तरीके प्रोसीजर अडोप्ट किया गया और एक ही चीज़ में असी पारदर्शी दिखावे और साड़ी जिम्मेवारी बनती है और संगत की जिम्मेवारी बनती है कि साढ़े को क्वेश्चन पुटअप करन और वो आन मैं उन्होंने तय दिलों धनवाद भी करा और इस गलों तक पहुँचाने संगत भी साड़ा सहयोग करे। कालका साहब एक सूत्रा के हवाले तो एक खबर आ रही है कि मनजीत सिंह जी के ते सरना ब्रदर्स दोनों कट्ठे होकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जिहड़ी हुण टीम हैगी है उन्हें सामने खड़े होणगे ते उन्हां नूं चेतावनी देणगे। देखो बड़ी चंगी गल है इन्हां दोनों नूं इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि बेसिक कंसैप्ट दोनों के एक ने गुरु घर की मिट्टी वेची है एक ने गुरु घर का समान वेचिया है गुरु घर के उत्ते नकली बिल पाए ने दोनों का कंसैप्ट इक्को ही है एक ने गुरु घर दी जदादा नूं खुर्द पुर्द करन दी गल की है एक दूजे के खिलाफ अज तक बयानबाजियां करते रहे हैं मगर अज दोनों इकट्ठे हो रहे हैं हो सकता है इन्हों का आपस में अज इन्होंने चैक कराया हो DNA मिल गया हो तो मैं समझदा कि अच्छी गल है श्रोमणी अकाली दल इन्हों
डट के मुकाबला करेगी क्योंकि संगत साढ़े नाल है, संगत का सहयोग साढ़े नाल। पर की मनजीत सिंह जी के वो भुल सकते हैं जदों दस्तारां दे उत्ते कृपाना वजियां सी ते उत्थों खून वो शुरू होया सी हस्पतालां तक रुकिया सीगा। देखो मनजीत सिंह जी के ने जिस वक्त 2013 दी चोणां लड़नियां सी ते उही प्रोपोगंडा कीता सी अपनियां कृपाना दिखा के अपने फादर दी मौत दे बारे गल्लां करके इह सब एक प्रोपोगंडा उन्होंने उस वक्त कीता सी। अगर वो इस चीज़ नूं भुल सकते ने कि श्रोमणी अकाली दल का प्रधान होने के बावजूद इन्हों के सिरों के उत्ते कृपाना वजी है, श्रोमणी अकाली दल का सिपाही होने के नाते असं नहीं भूल सकते कि गुरु घर के एफओ जे हिटलर आके बैठे से जिन्होंने उस वक्त संगतों के उत्ते कृपाना चलाईया, असं वो नहीं भूल सकते। शायद मनजीत सिंह जी के का अपना जमीर मर चुका है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तैयारी किदां दी है इलैक्शन नूं लैके? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सानू बुलाया गया सी, पिछे मिनिस्टर नूं ऑल पार्टी मीटिंग भी की सी, असीं उन्हां नूं अपना सहयोग देने वास्ते पूरी गल की और साडे कोल जिस वक्त भी साडे कोल कोई सहयोग मंगणगे असीं देंगे, क्योंकि सिर्फ साडी इक्को गल है कि जिहड़ी इलैक्शन होनियां ने बकायदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए है। उहदे विच वोटर लिस्ट के उत्ते जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि असी MLA दी वोटर लिस्टां चुक लईए, क्योंकि इहदे विच बड़ी धांधलीबाजी हुंदी है। सो मैं समझदा कि जिस तरीके दे नाल सरकार साडे को सहयोग मंगेगी, साडी जिम्मेवारी बनती है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों भी और श्रोमणी अकाली दल की तरफों भी। बिल्कुल। सो ये सन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी के विच एंबूलेंसों की घाट को पूरा किया है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने। जी हाँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 12 एंबूलेंसा दिल्ली के वख वख इलाकों के रखिया है ते इन्हां एंबूलेंसा की सेवा लैण दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबरां नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो ते देणगियां फ्री सेवा। सायरन मार दियां ये 12 एंबूलेंसा किसी मरीज नूं ना छड्डन जा रही ने ना लैण जा रही ने। दरअसल ये 12 एंबूलेंसा दिल्ली के वक्खो वख इलाकों के विच रहणगियां। ये 12 एंबूलेंसा की सेवा की है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, जिहड़ियां दिल्ली के वक्खो वख इलाकों के विच रहणगियां। तो इस एंबूलेंस का कोई किराया भी नहीं होएगा, सगो ये एंबूलेंस देगी फ्री सेवा। जदों तो यह महामारी शुरू हुई है उदों तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपनिया सेवावां देनियां शुरू कर दित्तियां सी, भावें वह लंगर सेवा की गल करिए या किसी मास्क की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने वध चढ़ के योगदान दिता है। तो हुण इस महामारी नूं देखते हुए जिथे एंबूलेंसा की घाट का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं पता लगा तो उन्हां वल्लों ये फुली अपडेटेड एंबूलेंसा दिल्ली दे विच रखियां गईयां। ये 12 एंबूलेंसा अरदास उपरंत गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पुरब मौके रवाना की गई। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका सने कई होर मैंबर मौजूद रहे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दसिया है ये फुली अपडेटेड एंबूलेंसा दिल्ली के वक्खो वख इलाकों के विच रहणगियां और अगर किसी नूं जरूरत पैण ते ये एंबूलेंस चाहीदी होएगी ते ओ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे मैंबर दे नाल संपर्क कर सकदा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी जानकारी दिती है कि फिलहाल पहले फेज दे विच ये 12 एंबूलेंसा दित्तियां गईयां ने ते आने वाले समय विच लोड मुताबिक होर एंबूलेंसा भी दित्तियां जाणगियां। ये बहुत जरूरी सी क्योंकि सानू बहुत सारे लोग संपर्क करदे ने, एंबूलेंसा मिलदियां ने, बहुत दिक्कत वड्डी एंबूलेंसा दी रहिंदी आ जिहदे करके एंबूलेंस तैयार कीतियां गईयां ने और ये 12 एंबूलेंस पहले फेस अंदर ने। अगर जरूरत पेगी होर भी 100 की जरूरत तो 100 एंबूलेंस भी देंगे। साढ़े मैंबर साहबानों संपर्क कर सकते हो, टोल फ्री नंबर ने हर वार्ड हर जोन का नंबर दिता गया, ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ सेंटर हर जगह डिवाइड करके एंबूलेंस 12 भेजी गई ने। ये 24/7 सर्विस रहनगिया, फुली इक्विटेटेड ने, इन्हों के अंदर सारी सर्विसिज ने, चाहे ऑक्सीजन आ चाहे वार्ड बॉय आ, जो भी नसैसरी जरूरत ने वो सारिया के अंदर पूरिया ने। और यह सेवा अज गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का प्रकाश पुरब से, उन्होंने समर्पित करके शुरू की गई है और ये उदों तक सेवा चलती रहेगी जदों तक कोविड की महामारी है। होस्पिटल्स नाल भी इन्हों अटैच किया गया, एंबूलेंसिस नूं पेशेंट किस तरीके संपर्क कर सकते हैं? लोकल एंबूलेंस जो लोकल हॉस्पिटल ने जो वैस्ट उन्होंने वैस्ट नाल टाई अप कराया जा रहा, जो नॉर्थ के नॉर्थ नाल, जो साउथ के साउथ नाल, तो इस तरह जे एंबूलेंस जे एरिए रहनगियां उत्थे उत्थे दे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ना टाई अप कराया गया। उधर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ने भी यह गल आखी है कि रब ना करे किसी इस एंबूलेंस की लोड़ पवे, पर अगर किसी लोड़ पैंदी है तो यह एंबूलेंस उहदे कोल बहुत जल्द पहुँच जाएगी। बहुत वड्डी लोड़ सी दिल्ली दे विच, क्योंकि इन्नी वड्डी महामारी ने शेप ले ली और लोगों के जी पेशेंट्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। संगत की बड़ी डिमांड सी और ये जिहड़ा फैसला लिया गया दिल्ली कमेटी वालों जी फ्री सेवा दी जा रही है, पूरी फुली इक्विप्ड जिहड़ियां एंबूलेंसिस है और ये दिल्ली के सारे कोनियां दे विच खड़ी कीतियां जाणगियां और साडा जिहड़ा टोल फ्री नंबर भी उन्होंने दिता जा रहा जिहदे करके और इन्हों नूं असीं सोशल मीडिया ते भी डिस्प्ले कर रहे हैं और जिहड़े साडे चैनल्स डायरैक्ट रिले करते हैं गुरुद्वारा बंगला साहब तो उत्थों भी लोगों नूं दस्या जा रहा और मैं समझदा कि इहदे नाल संगतां दे विच बड़ा उन्होंने सहयोग मिलेगा। रब ना करे किसी नूं लोड़ पवे, मगर जिस लोड़ दे उत्ते जिस वक्त लोड़ पैंदी इहदी ते वाकई लोगों इस वक्त बड़े नमोशी हुंदी सी, सो इह कमेटी ने फैसला लिया और अज असीं इत्थों 12 एंबूलेंस रिलीज़ करन जा रहे हैं। तरह के इक्विपमेंट जड़े ने इन एंबूलेंसिस दे विच रखे गए ने, एजुकेटेड स्टाफ रखा गया और ऑक्सीजन तो लैके हर जरूरत का समान इन रखा गया और खास तौर पर जिस तरीके प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि इस करोना वायरस के कारण ही उन्होंने ये स्टैप लिया, क्योंकि करोना दे विच जिहड़ा है तमाम तरह के समस्यावां जिहड़ियां ने दिल्ली वासियों नूं पेश आ रही सन, अजिहे च यह पहल की है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। सो ये हुण एंबूलेंसां इत्थों रवाना कीतियां जा रही ने जो दिल्ली के वख-वख इलाकों के विच रहणगियां। कैमरा पर्सन राम बहादुर के नाल जसमीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली। गुंजा सिख विरसे दियां साडी खास पेशकश दे विच बस ऐ नहीं, जेकर तुसीं सानूं या दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं इस प्रोग्राम दे संबंधी कोई सुझाव या राय देना चाहते हो तो साडा ईमेल पता नोट कर लो। साडा ईमेल पता है feedback@ptcnetwork.com। फिलहाल दियो इजाजत, अगले हफ्ते खास पेशकश लैके मुड़ तो होवांगे हाजिर। धन्यवाद।